पढ़ा था हमने, कंपोनेंट है ना, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्व करने का क्या मतलब होता है? हमेशा रिजोल्व करने का मतलब ये होता है, देखो क्या है कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को हमेशा आप दो परपेंडिकुलर एक्सिस में तोड़ सकते हो, ठीक है ना, उसके दो पार्ट टुकड़े कर सकते हो, तीन में भी कर सकते हो, दो में भी कर सकते हो, डिपेंड करता है आपका। रिजोल्यूशन 2D में हमने कर लिया था। 2D में रिजोल्यूशन क्या था, थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। अगर ये एक्स है, ये वाई है, ये ए वेक्टर है मान लो, अगर इसके साथ ये एंगल थीटा बना रहा है तो ये बन जाता था ए कॉस थीटा, इसको हम ए एक्स बोलते थे। ये वाली चीज बन जाती थी ए साइन थीटा, इसको ए वाई बोलते थे, ठीक है। कैसे बना, लगा लो यार, कॉस थीटा लगाओ, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज की लेंथ है ए, इसकी लेंथ ए एक्स बोल दो, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ए एक्स अपॉन ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सेम तरीके से साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज की लेंथ है ए, इसकी है ए वाई, तो साइन थीटा भी लगाया आ गया हमारा, ठीक है। फिर इसको लिखते कैसे, वेक्टर फॉर्म में लिखते कैसे थे इसको भाई, इसका ए एक्स क्या बोलते थे पहली बात, तो ए एक्स को क्या बोला गया था, ए एक्स को क्या बोला था, ए एक्स को बोलते थे हम लोग कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस ए वाई, कितना होता है ए साइन थीटा, ठीक है। तो क्या बन गया था हमारा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। हम इसको ऐसे करके लिखते हैं, यानी बेसिकली ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप, नॉर्मल नोटेशन है, ठीक है। अच्छा कभी कभी उल्टा देता है, ए एक्स और ए वाई दे देगा, तो ए कैसे निकालोगे, ए एक्स और ए वाई दे देगा, तो ए निकालने का तरीका है ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर का रूट, पाइथागोरस लगा दो, दिस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इतना, ठीक है। अच्छा अब मान लो थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दोनों पॉजिटिव आएंगे, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो कॉस थीटा वाला चीज नेगेटिव आ जाएगा, कॉस थीटा नेगेटिव आएगा तो ए एक्स नेगेटिव निकल के आ जाएगा, समझ में आता है ना, ए वाई पॉजिटिव रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा भी नेगेटिव और साइन थीटा भी नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव निकल के आ जाएंगे, ठीक है। चौथे क्वाड्रेंट में क्या होगा, चौथे क्वाड्रेंट में ये वाली चीज नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है, लेकिन चलेगा यही। ए एक्स याद रखना, ए एक्स क्या होता है, ए कॉस थीटा, मतलब बेसिकली उसका मैग्नीट्यूड ले लेना, है ना, माइनस थ्री लेकिन आई फिर कैप लिया माइनस हो आने के बाद उसका माइनस से निकाल देने का ना। यार, स्क्वायर करोगे तो फर्क क्या पड़ेगा, स्क्वायर कर लोगे तो फर्क क्या पड़ेगा, है ना, अरे हाँ सर, स्क्वायर करोगे, ठीक है। ऑल दो वैसे हमें जब कंपोनेंट लिख रहे होते हैं तो वैसे उसको वो लिखना चाहिए, ठीक है, चल रहा है ऐसा चल रहा है। टेन थीटा कितना हो जाएगा, कभी कभी पूछता है इतना दे रखा है तो एंगल बताओ, वॉल्यूम कम आ रहा है क्या, नहीं सर ठीक है, बराबर है। सर भाई अमेजन पे आते हैं लाउड स्पीकर ले लो, एक बड़े वाले, बढ़िया वाले, अलग घर में आवाज जानी चाहिए, घर वालों को मतलब बुजुर्ग, घर में जो बुजुर्ग लोग हैं उनको भी मतलब एक्टर समझ में आना चाहिए, ऐसा वाला लो, बड़ा लाउड स्पीकर है। सही आ रही बातों को, सही आ रही है या कम आ रही है, सही है सर, सही है सर, सही है सर, प्रॉपर है, प्रॉपर। प्रॉपर है ना, ठीक है। हाँ भाई, टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा ए वाई अपॉन ए एक्स, ये सबको याद है कि नहीं है, क्या क्वेश्चन कैसे बताता, दो क्वेश्चन बताते हैं, दो क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन है आपका माइनस ए वेक्टर दे रखा है आपको, माइनस थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप, माइनस प्लस प्लस माइनस 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 फोर जे कैप, इतना वेक्टर दे रखा है, इतने से कहानी बतानी है आपको, आपसे कहेगा मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो, एंगल फाइंड आउट करो, एंगल कौन सा पूछ लेगा आपसे, हम तो इसको डिसाइड करते हैं कि है क्या मामला। देखो क्या है, थ्री है माइनस आई कैप में, थ्री है माइनस आई कैप में,
तो यहां तो ये थ्री आ गया, ये लेंथ थ्री हो गई इसका। फोर है माइनस जे कैप, फोर है माइनस, तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। इसका मैग्नीट्यूड कितना निकल के आएगा, ये कहां को आएगा, इसका ये यहां को आएगा। कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, तीन का स्क्वायर प्लस चार का स्क्वायर, पांच बन के आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत नहीं? पूछेगा आपसे एंगल कितना है, आपने ये वाला एंगल निकाला, आप होशियार बने, आपने टेन थीटा लगाया या साइन थीटा कुछ भी लगा लो, टेन थीटा सबसे आसान रहेगा। क्यों? क्योंकि ये पता है, ये पता है, ये तो आपने कैलकुलेट कर रखा है, नहीं तो आप साइन थीटा कॉस थीटा कुछ भी लगा लो। तो बिना ये कैलकुलेट करे आप टेन थीटा लगाओ, तो फोर बाय थ्री, फोर बाय थ्री याद है ये एंगल कितना होता है, 53 डिग्री। बताओ होता है कि नहीं होता? सर भाई आवाज आ रही है क्या? सर भाई अब तुम्हें मेरी नहीं आ रही कि मेरे को तुम्हारी आवाज नहीं आ रही? हम लोग को आ रही है आपकी आवाज। हाँ बढ़िया है। अच्छा अब वो एंगल यहां से नहीं पूछेगा, एंगल वो यहां से पूछेगा भाई ये वाला एंगल कितना है। तो क्या करोगे, 180 में ऐड कर लेना, ठीक है, 180 में 53 ऐड कर लेना, क्योंकि जनरली एंगल मेजरमेंट जो है ना, एंगल मेजरमेंट यहां से होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो ये हो गया। किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत? थीटा की वैल्यू हम लोग 3 से ही लेंगे ना? थीटा की वैल्यू यार यहां से ले सकते हो, नेगेटिव एक्स एक्सिस से मेजर करोगे तो इतना आ गया। अरे कहने का मतलब है माइनस साइन को इग्नोर करना है, इससे बस ये पता चल रहा है, ये माइनस ये माइनस से पता चल गया कि थर्ड क्वाड्रेंट में। थ्री का मतलब समझ में आया, फोर का मतलब समझ में आया, आपने एंगल निकाला, फिर आपने क्या किया, ये वाला एंगल आया आपका, लेकिन जनरली वो एंगल जो बोलता है वो यहां से बोलता है, वो एंगल कितना हमने थीटा 4 और 5 के बीच में लिया, तो फिर वो 180 प्लस 4 तक का जो डिस्टेंस है उतना लेना पड़ेगा। हां वो 270 में से सबट्रैक्ट कर लेना, आंसर सेम आएगा। ये वाला एंगल अगर ये 53 है तो ये कितना होगा, 37 होगा। 270 में से 37 सबट्रैक्ट करो, एक वही आएगा जो 180 प्लस 53 होगा, ठीक है ना? चलो देखो अब इसके बाद क्या होता है, ये कहानी यही खत्म नहीं होती है, ये कहानी इन जनरल आपका कोई ये दे रखा है, ये कोई फोर्स दे रखा है, ये कोई फोर्स दिया हुआ है, ठीक है। वेक्टर को देखो क्या है, हमारी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अभी आपने ऐसे बनाई है, कल के दिन में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अपने हिसाब से बनाओ, कंडीशन है 90 डिग्री एंगल होना चाहिए एक्स और वाई के बीच में। कल के दिन में कहता है एक यहां को है, एक यहां को है, एक यहां को है, ऐसे करके, समझ में आई बात? अगर ये एंगल थीटा है तो आपसे पूछेगा इधर को कंपोनेंट कितना आएगा, इधर को, इधर का कंपोनेंट कितना हो जाएगा, इधर का कंपोनेंट याद रखना जिसके साथ एंगल बना रहा है, यहां को इसको लिख सकते हो एफ का कॉस थीटा, यहां को लिख सकते हो एफ का साइन थीटा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया भाई? इसके लॉन्ग एंगल आएगा कॉस वाला, जैसे यहां आता है, जिसके साथ एंगल बना रहा है उधर को कंपोनेंट आएगा कॉस का, लगा के देख लो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लगा के देख लो, ठीक है, कॉस थीटा इस्तेमाल होगा। समझ में आई बात? ए एक्स कितना है, कॉस थीटा कितना होगा, ए एक्स अपॉन ए, ए एक्स अपॉन ए, तो ए एक्स कितना हो गया, ए कॉस थीटा। यानी कहने का मतलब यह है कल के दिन में कोई वेक्टर किसी लाइन के साथ एंगल थीटा बना रहा है तो उसकी ओर वो कंपोनेंट कॉस थीटा आएगा, दूसरी साइड तो 90 डिग्री पर उधर साइन थीटा कंपोनेंट आ जाएगा। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं सर? सर्वेश ये बताओ, सर्वेश अब कल के दिन मैं मुंबई आया, मान लो पनवेल साइड आया, तुमने मेरे को देख लिया, तुम तो मेरे को पहचान लोगे, मैं तुम्हें कैसे पहचानूंगा? क्या पता, अरे मैं जानता हूँ तुम पूरे मार्केट में ऐसी हरकत कर रहे होगे, मेरे को लग रहा है तुम अलग से कुछ चमकोगे अलग से,
तुम्हें क्या लगता है? नहीं सर, मार्केट जाता ही। अरे मेरे को लग रहा है यार, क्या कोरोना तुम ही फैलाओ कांदी वाली कॉलोनी में। ये देखो, ये समझ में आया कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, ये तो हमारी 2D की बात थी, हमने पिछले बार भी डिस्कस कर लिया था। ये हो गया था ना, इसमें एक दो क्वेश्चन कर लिया था हमने। हाँ सर, ठीक कर लिया। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो रिवाइज करा दिया मैं, मान के चल रहा हूँ तुम्हारी क्लास में सब मूर्ख बैठे हुए। आगे बढ़ते हैं, रेजोल्यूशन इन 3D, रेजोल्यूशन इन 3D। हल्के में बदलो, जब मैं स्पीड में आ जाऊंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। ठीक है, अब 3D में क्या होता है? 3D तो पहले 3D समझो, आपने पढ़ा है एक्स कोऑर्डिनेट, आपने पढ़ा है वाई कोऑर्डिनेट, आपने पढ़ा है एक्स कोऑर्डिनेट, आपने पढ़ा है वाई कोऑर्डिनेट, बाय 3 डायमेंशन जेड कोऑर्डिनेट। कमरे का एक कोना देखो, अपने कमरे का, अपने रूम का एक कोना देखो, तीन लाइनें जा रही होंगी परपेंडिकुलर। अरे सबने देखा क्या? हाँ सर, दो ही ना। तुम्हारा कमरा क्या प्लेन में है क्या? तुम कहाँ आ रहे हो? अबे 3D में हुआ तुम्हारा कमरा, दो लाइन दिख रही है सर। अबे दो ही तो लाइन होती है ना, मतलब एक हॉरिजॉन्टल और एक लाइन है सर। अबे दो हॉरिजॉन्टल मिलेगी, एक वर्टिकल मिलेगी। ये कमरे का कोना नहीं दिख रहा तुम्हें? ऐसा करके कुछ, मतलब दीवार का भी कोण करना है क्या? हाँ, कॉर्नर कॉर्नर कॉर्नर। चलो देखो, मेरे को लग रहा है बाकियों को समझ में आ गया होगा क्या कहना चाह रहा हूँ। अब देखो मैं कमरा बना देता हूँ आपके लिए, ये हो गया, ये 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 ये, इसमें से हम क्या करेंगे, फालतू चीजों को हटा देते हैं, ये वाला, ये नहीं दिखेगा आपको, ये नहीं दिखेगा आपको, आपको ये लाइन भी नहीं दिखेगी। बताओ हाँ भाई, बताओ। डब्बा दिखाई दिया, कमरा दिखाई दिया, थोड़ा है डिस्टॉर्टेड है लेकिन दिखाई दिया कमरा। यस सर, यस सर। ठीक है, यस सर। इसमें कोई वेक्टर, अब जरा ध्यान से देखो, इसमें कोई वेक्टर है आपका, मान लो, चूंकि बहुत मैं गंदे तरीके से बना रहा हूं, आप कोशिश करना अच्छा बना देना। एक सेकंड सर, पॉज हो गया। यार एक बात बताओ, आया क्या अभी? हेलो, आया? अरे यार एक कोई बच्चा ग्रुप में पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड पता है किसी को? हाँ पासवर्ड भेज दो यार, ग्रुप में भेज दो पासवर्ड, क्या है कोई तो पासवर्ड मांग रहा है। ठीक है, ध्यान दो, ये चीज क्या है, एक्स एक्सिस के साथ बनाएगी एंगल अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बनाएगी एंगल बीटा, जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी गामा। चीजों को समझो जरा, वो कॉर्नर से, अपने कमरे के कॉर्नर से एक लाइन एज्यूम करो जो बाहर को निकल ली है। अभी तक क्या था, जब तक प्लेन में कहानी थी, जब तक प्लेन में कहानी है, अगर एक एंगल थीटा है तो अगला एंगल क्या होगा, पक्का है 90 माइनस थीटा होगा। एक एंगल थीटा है तो अगला एंगल पक्का होगा कि 90 माइनस थीटा निकल के आएगा, क्लियर है? लेकिन इस बार 3D में बातें हो रही हैं, तो आप एक पॉइंट से, आप ऐसे समझो, ये हो गया, दिख रहा है क्या 3D दिख रहा है क्या? ऐसे करके कुछ, अब दिख रहा, अब यहां से ऐसे लूंगा, टेढ़े एंगल पर लूंगा मैं, अब कुछ कर लो यार, 2D में कितना दिखा दूंगा मैं, तो एक टेढ़े एंगल पर लूंगा तो कोई रिलेशन नहीं आ पाएगा। प्लेन में रिलेशन है, अगर थीटा होगा तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। आप यहां से ओरिजिन समझो, यहां से ओरिजिन से तीन, ये तीनों परपेंडिकुलर है, ये तीनों परपेंडिकुलर है, एक लाइन ऐसे निकल ली बाहर को,
तो तीनों एंगलो में ये एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रहा है, ये वाई एक्सिस के साथ कितना बना रहा है, ये जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, कोई रिलेशन नहीं आएगा। आएगा कुछ ऐसा रिलेशन तो नहीं आएगा। कमरे का कॉर्नर देखो, वहां से एक लाइन को बाहर निकलते हुए देखो, कमरे के कॉर्नर से लाइन को बाहर निकलते हुए देखो, ऐसा कोई रिलेशन नहीं आ पाएगा आप पर। यार एक्स के साथ क्या एंगल बना रहा है, वाई के साथ क्या एंगल बना रहा है, जेड के साथ क्या एंगल बना रहा है, कोई रिलेशन निकल के नहीं आएगा। दिख रहा है क्या आपको सर्वेश? नहीं सर। कोई रिलेशन नहीं दिख रहा ना, इतना समझ में आ रहा है, कोई विजुलाइज हो पा रहा है? 2D में तो सही है, 2D में तो सही है, x ये है, y ये है, अगर कोई लाइन ऐसे है, ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा होगा ही होगा। लेकिन 3D में दिक्कत आ जाएगी। अब 3D में हमें क्या मान लिया, हमने x के साथ अल्फा मान लिया, y के साथ बीटा मान लिया, z के साथ गामा, और हम ये मानते हैं, ये इतिहास में माना हुआ है, ठीक है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा x के साथ है, बीटा वाई के साथ है, गामा जो, तो हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, ax को हम बोलते हैं, ax को हम बोलते हैं a का cos अल्फा। कुछ कर लो, भले ही दूसरा एंगल पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन अगर इस लाइन के साथ एंगल थीटा बना रहा ना, ऊपर से कंपोनेंट, ऊपर से लाइट मारो, ऊपर से लाइट मारो, इस पर तो a का cos थीटा ही आएगा। दूसरी एक्सिस के साथ पता नहीं क्या बना रहा है एंगल, लेकिन अगर ये एक लाइन के साथ एंगल, भूल जाओ बाकी दो एक्सिस, ये वाली एक्सिस और ये वाली एक्सिस को भूल जाओ। अगर लाइन ऐसे भी है ना, टेढ़ी भी है, अगर इस पर लाइट मारोगे, इस पर लाइट मारोगे, एक ये एक्स एक्सिस है, एक वो लाइन भले ही ऐसे ना हो, कैसे भी हो, लेकिन अगर इसके साथ थीटा बना रही है, एक प्लेन में आ जाएगी, हमेशा एक प्लेन में आएगी कि नहीं आएगी, टेढ़ा प्लेन हो सकता है, सीधा भी हो सकता है, लेकिन एक प्लेन में आएगी ही आएगी। तो उसकी ओर वो कंपोनेंट कितना आ जाएगा, कॉस अल्फा, जैसे यहाँ पर कॉस थीटा आया। सेम तरीके से y में कितना आ जाएगा, y में कितना आ जाएगा, y के साथ अगर बीटा एंगल है तो a का cos बीटा, और z के साथ कितना आ जाएगा, z के साथ आ जाएगा a का cos गामा। समझ में आया, विजुलाइज हुआ तो बढ़िया है, नहीं आया तो याद नहीं हुआ विजुलाइज। अच्छा ये बताओ, ये समझ में आया कि भाई अगर इसके साथ ये है थीटा बना रही, तो यहाँ को cos थीटा आता है। Yes, sir. सर मतलब हर वक्त सर लाइट ऊपर से डालनी है क्या? हाँ, कुछ ऐसा मान लो, मान लो ऐसा है, कुछ दो मार्कर और तीसरी पेन है, तो मैं पेन भी दिखाई दे रही हूँ, अब मार्कर नहीं दिखाई दे रहा हो, तो समझो ना यार, 2D में पढ़ाई कर रहे हो तुम लोग, ये है। चलो अब दिख रहा है सर? अब दिख रहा है। हाँ सर। अब कोई लाइन टेढ़े एंगल पर है मान लो, या कोई भी टेढ़े एंगल पर एक लाइन मान लो, एक लाइन अज्यूम कर लो, ये दोनों एक्सिस को गायब कर लो, दो एक्सिस गायब हो, एक लाइन है, ये एक्स एक्सिस है। अगर इसके साथ कोई चीज ये है, कोई जनरल लाइन है, भले ही वो ऐसी हो, भले ही वो ऐसी हो या थोड़ी टेढ़ी हो, अगर टेढ़ी है तो भी तो घुमा के एक प्लेन में आई जाएगी, बताओ। अगर टेढ़ी भी है, टेढ़ी भी है तो घुमा के तो एक प्लेन में आई जाएगी ना, इतना समझ में आता है क्या? एक्सेस है ना, कोई जो जनरल लाइन हो एक्सेस के साथ हमेशा एक प्लेन में आएगी आएगी। तो अगर ये वाला एंगल अल्फा बोल रहा हूँ तो इधर को प्रोजेक्शन तो ए का कॉस अल्फा ही आएगा, जैसे यहाँ पर ए का कॉस थीटा आता है, वैसा इसकी ओर को अगर इसके साथ एंगल अल्फा है तो ए का कॉस अल्फा ही आएगा इधर को। अच्छा सेम कहानी वाई एक्सिस के साथ भी होगी, y एक्सिस के लिए प्लेन को घुमाओ ऐसे करके आएगा कुछ प्लेन है ना, उस प्लेन को रोटेट रोटेट करके देखो, ये पक्का है, ये पक्का है, दोनों एक ही प्लेन में आ जाएंगे। तो अगर इसके साथ बीटा है, सिमेट्री आएगी ना, अगर इसके साथ बीटा है तो फिर इधर को कितना आ जाएगा, a का cos बीटा। सेम चीज उसकी हो रही है जेड के साथ, जेड के साथ जितना एंगल है a का cos गामा आ जाएगा। पल्ले पड़ी बात, यहां से ऊपर से, यहां से लाइट, अब यहां से दिखेगा नहीं, इसमें दिखना बड़ा मुश्किल है। मान लो यार आज के लिए मान लो, अगर एक्स एक्स अल्फा क्या है, अल्फा है एंगल मेड बाय ए वेक्टर विद एक्स एक्सिस, अल्फा क्या है एंगल मेड बाय ए वेक्टर विद एक्स एक्सिस, बीटा क्या है एंगल मेड बाय ए वेक्टर विद वाई एक्सिस,
सेम तरीके से गामा क्या है, एंगल मेड बाय दिस 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 विद जेड एक्सिस, बताओ ठीक है। तो ये चीज याद रखो, इसको क्या बोला गया, ए एक्स को क्या बोलेंगे, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर लॉन्ग एक्स एक्सिस, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर लॉन्ग एक्स एक्सिस, कंपोनेंट ऑफ वाई वेक्टर लॉन्ग वाई एक्सिस, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ जेड, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर लॉन्ग जेड एक्सिस, ऐसे करके बोलेंगे इसको। फिर इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, अभी तक आप जैसे कर रहे थे, देखो अभी तक बस इतना फर्क हो रहा था ना, अगर एक्स एक्सिस के साथ थीटा बना रहा है तो वाई एक्सिस के साथ 90 माइनस थीटा होगा। यहां पर ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, 3D में वो विजुलाइज हुआ, कॉर्नर से एक लाइन लेके देखो आप, वो एक्स के साथ कुछ अलग एंगल बना रहा होगा, वाई के साथ अलग, जेड के साथ अलग, कोई कोई तीनों का सम मिला के कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना, तीनों का सम मिला के बड़ा वेरिएबल होगा, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। लेकिन 2D में होता है, 2D में अगर है, 2D में है हमेशा, एक अगर 30 डिग्री है तो दूसरा 60 होगा ही होगा, एक 15 है तो अगला 75 होगा, यहाँ पर कोई ऐसा कुछ नहीं आता। क्लियर है, इतना थोड़ा दिमाग में रख लो। हाँ सर, ठीक है, चलो इसका आगे चलते हैं। तो हम वेक्टर रब नहीं कर रहा हूँ, ए वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप बस ए जेड जेड ए जेड के कैप, ये हो गया आपका रिप्रेजेंट करने का तरीका। मैग्नीट्यूड ए को कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड हो जाता है आपका अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। आपसे क्वेश्चन दिया होगा ऐसा ऐसा ऐसा, अच्छा इसमें दिख रहा है अगर एक्स इधर है, अच्छा इसमें क्वाड्रेंट कितने बनेंगे, 3D में क्वाड्रेंट कितने बनेंगे इतना बताओ, चलो अगर विजुअलाइजेशन है ही आप पर, 3D में कितने डब्बे बन सकते हैं, आठ आएंगे, ये कितनों को दिखाई दिया कि आठ आएंगे, छह आठ आएंगे, एक डब्बा दिख रहा है, एक इसके पीछे बनेगा, फिर इसके दो उधर बनेंगे, अब क्यूब को विजुलाइज करो, क्यूब को विजुलाइज करो, आठ आएंगे यार, तुम भी कपड़े इस्तेमाल करो है, देखो जरा अब बीच में क्या बना है, ये कोशिश करके देख लो, इसमें आठ ही दिखेंगे आपको सर, छह थोड़ा बहुत भी दिख रहा है क्या, तो बाकी के तो बीच में क्या है, कहाँ बीच में, बीच में वो क्रॉस प्लस इधर की इधर सर, ये राइट राइट साइड बनाया आपने, बीच में कुछ नहीं है, बीच में क्या है, मैं तो बस ये ज्वाइन कर रखा है आपको, ये हो रखा है, ये डायग्राम है, ये पीछे की साइड्स हैं कुछ कुछ सर, क्यूब में तो छह ही साइड होते हैं ना, हाँ सर छह सरफेसेस होते हैं ना सिर्फ, अबे सरफेस छह, उसको उसको ऐसे काटो ऐसे काटो ऐसे काटो, सरफेस पनीर का टुकड़ा है, एक बार ऐसे बीच से काटो, एक बार ऐसे बीच से काटो, एक बार ऐसे बीच से काटो, कितने पीस दिन मिलेंगे, आठ मिलेंगे, उसका एक पीस ये है, समझ में आया, ये पहला क्वाड्रेंट है, तीनों क्वाड्रेंट एक्सिस पॉजिटिव आएंगे, तीनों क्वाड्रेंट पॉजिटिव आएंगे, जतिन को समझ में आ गया, हाय जतिन, समझ में आ गया, बढ़िया, पनीर का पीस मिल गया लग रहा है, क्लियर है कि भाई इसमें तो एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव जेड भी पॉजिटिव, इसका पीछे वाला डब्बा लूंगा तो जेड मैंने बाहर को ले रखा है, जेड ऐसे है वैसे कायदे से बाहर को है, लेकिन उसको प्लेन में ले नहीं सकता तो मैंने ऐसे बना दिया, तो नेगेटिव जेड अंदर को होगा, तो अगर इसके पीछे का डब्बा लूंगा एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव और जेड नेगेटिव, इसके इस पर्टिकुलर डब्बे के उधर का लूंगा तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा, इस पर्टिकुलर डब्बे के जस्ट पैरेलल लूंगा उधर को तो एक्स वाला नेगेटिव हो जाएगा वाई पॉजिटिव और जेड नेगेटिव, समझ में आता है कि मतलब यार नहीं आ रहा सर,
प्लस 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 हो सकता है, तीनों या तो प्लस होंगे, या तो प्लस प्लस माइनस होंगे, या तो प्लस माइनस प्लस होंगे, या तो माइनस माइनस प्लस होंगे, ऐसे करके सारे कॉम्बिनेशन ट्राई कर लो, 8 कॉम्बिनेशन आएंगे। अरे यार को पनीर को काटना आज बना देना, आज इतना पड़ी नहीं लेना, उस पनीर के सेंटर में हूं मैं, वो टुकड़ा वो है पनीर के बिल्कुल बीचों बीच का, बीच का पॉइंट है, आपने बस ऐसे काटना है, ऐसे काटना है और ऐसे काटना है। अच्छा कितनों को अभी भी दिक्कत आ रही है इसमें? नो सर समझा सर, ये कौन सा मतलब? अरे एक काम करो ऐसा ना, इस पर मैं हड़क ही नहीं लूंगा, चुपचाप इसको दिमाग में डालो, अगले साल एडीएस सर पढ़ाएंगे, ट्वेल्थ में आता है 3D ज्योमेट्री, आराम से उनकी हेड है। मेरे लिए क्या है, इसके साथ एक्स के साथ अल्फा है, वाई के साथ बीटा, या तो रट के काम चला लो, एक्स के साथ अल्फा, वाई के साथ बीटा, जेड के साथ गामा, कंपोनेंट ये होते हैं कॉस कॉस कॉस, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ए का। ऐसा तो हम पहले भी पढ़ते आ रहे थे, बस ए जेड एक्स्ट्रा आ गया बस, ठीक है, विजुलाइज नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं, कोशिश कर ली मैंने विजुलाइज कराने की, दोबारा लेक्चर एक बार दोबारा सुन लेना, कोशिश करना हो कमरे में वो लाइन लेने की, क्या करना चाह रहा हूँ मैं, कॉर्नर से एक जनरल कोई लाइन लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब ये समझ लो मैं इस कमरे में हूँ, मेरे बगल में भी कोई कमरा है, मेरे इधर भी कोई कमरा है, मेरे डायगनल में भी कमरा है, और ये चार कमरे के नीचे भी चार कमरे, तो ये ओरिजिन है उस। समझा सर? हाँ सर अब समझा। हाँ सर समझा। तुम्हारे अगले तुम्हें समझाने के कमरे बनाऊंगा मैं, हैं? तो अब ये कमरे में मैंने क्या कर लिया, ये x मान ली, ये y मान ली, ये z मान ली, सब पॉजिटिव है। अगर मैं बगल वाले कमरे में जाऊंगा, क्योंकि मैंने इसको x माना है, बगल वाले में जाऊंगा तो x वाला नेगेटिव हो जाएगा, y और z वाले पॉजिटिव रहेंगे, ऐसे करके डिपेंड करेगा कहां कौन से कमरे में जा रहा हूं। हां सर आया। अपने प्लेन में चार ही क्वाड्रेंट होते थे, तो क्या हो सकता है, प्लस प्लस होगा, प्लस माइनस होगा, माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस होगा, चार ही पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर तीन कमरे, यहाँ पर तीन मतलब आठ कमरे हैं, तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस चल रही है, तो तीन कोऑर्डिनेट है तो आठ पॉसिबिलिटी है। छोड़ो उसके आगे बढ़ो, ये मैग्नीट्यूड आ गया, मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड की कहानी हो गई। अच्छा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, इनको बुलाता है कोसाइंस, कोसाइंस ऑफ एंगल, कोसाइंस बोल दो आप सिंपल, ठीक है ना, कोसाइन ऑफ एन एंगल बोला जाता है, कोसाइंस मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा को नहीं बोलते, समझिए ना, कोई वेक्टर अगर एक्स के साथ अल्फा बना रहा है, वाई के साथ बीटा बना रहा है, तो ये कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, इनमें एक रिलेशन होता है, एक हमेशा रिलेशन फॉलो होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू वन, कहाँ से आया मेरे से भी मत पूछना, क्योंकि मेरे को भी नहीं आता, ये एडीएस सर बताएंगे आपको, मैथ्स में जो भी टीचर पढ़ाएंगे वो बताएंगे, ठीक है, मेरा इतना काम धाम नहीं है, तुम्हारे उसमें अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो आ। हाँ सर, वो अपने ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे, हाँ वो नहीं समझा सर, वो कैसा है? हाँ वो ऐसे ही लिखते हैं बस, समझ, ठीक है, वो लिखने का तरीका है कि x कंपोनेंट x में कितना पार्ट है, x में कितना पार्ट है उतना i कैप, y में कितना पार्ट है उतना j कैप, प्लस z में कितना पार्ट है उसका k कैप, लिखो इसको यार फटाफट लिखो, तुम लोग बहुत टाइम खा रहे हो। डन सर। आकांक्षा समझ में आया? Yes, sir. रिकॉर्डिंग का वेट कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग मिलेगी फिर रिकॉर्डिंग में देखूंगी, ऐसा कुछ तो नहीं है कुछ? नहीं सर समझ रहे हैं। ठीक है साहिल, साहिल गायब है वीडियो ऑन करके, ऐसा है क्या? चल देखो इसको फटाफट लिखो इसको, फिर हम आगे का क्वेश्चन करते हैं, इसका आगे क्या है? हो गया सर। हो गया? यस सर हो गया। ठीक है, दो मिनट बस, दो मिनट, एक मिनट, डब्बा तो बन गया होगा, अब हो गया।
इसीलिए रिकॉर्डिंग कराई जाती है ताकि मैं तेज चल सकूं। अभी क्या है कि तुम्हारी 11th क्लास है, मतलब क्लास में भी तुम मेंटेन रहो, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा a वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, खत्म करो कहानी को। आपसे पूछेगा फाइंड मैग्नीट्यूड, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर। सिंपल क्वेश्चन, निकाल लो, निकाल लोगे ना? यस सर। कितना आ जाएगा इसका? बड़ा सिंपल सा है, इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस साइन के कैप के साथ है, जेड कोऑर्डिनेट इसका नेगेटिव होगा, बस इतना इंप्लाई कर रहा है। कितना होगा? 4 प्लस 9 प्लस 16। चलो उम्मीद है कि तुम सही बता रहे हो, 29, ठीक है। तो कुछ इस हिसाब से मामला चलेगा आपका, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा। सर वो माइनस साइन के बारे में क्या बोल रहे थे, मेरा कनेक्शन चला गया। माइनस के कैप है मतलब उसका जेड कोऑर्डिनेट नेगेटिव में होगा। ओके सर, मतलब आप रूम, आप जिस रूम में, उसके पीछे वाले रूम में? हाँ, वहाँ पीछे वाले रूम में पता नहीं कौन रहता है, लेकिन हाँ कोऑर्डिनेट शायद नेगेटिव हो जाएगा, मतलब बोर्ड के पीछे वाला रूम। डिपेंड करता है, मैंने जेड एक्सिस को माना हुआ है, ठीक है। अरे यार, आप 2D से उसको 3D में थोड़ा सा ट्रांजिशन लेके आओ, दिमाग में लेके आओ। 2D में आपको प्लस एक्स माइनस एक्स समझ में आता ना, कहाँ होगा माइनस एक्स? माइनस एक्स आपको सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा। अब यहाँ पर हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं बोलते, हम समझ लेते हैं यार, हाँ ठीक है समझ में आ रहा है। ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। एक्स वाई जेड, अगर खाली एक्स नेगेटिव हो रहा है तो हम इधर की साइड को आ रहे हैं, इधर की साइड को आ रहे हैं, वाई में प्लस चल रहे हैं, जेड में भी प्लस चल रहे हैं। हेलो सर, ठीक है। हेलो सर, एक्स, हाँ सर, इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा ना? क्यों सर, और एक बार देखे तो और ज्यादा कॉन्सेप्ट अच्छा होगा ना? कोशिश कर लेना, चलो वैसे तो अपलोड करूंगा मैं, ठीक है। चलो देखो, ठीक है। अब जैसे कि आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, देखो क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन दे रखा है आपको, If a vector दे रखा है आपको i cap plus 2j cap minus 2j cap plus 3k cap, ऐसे। अच्छा, i cap, j cap, k cap क्या होते हैं पता है ना सबको? हाँ सर, यूनिट वेक्टर होते हैं, x के लॉन्ग, y के लॉन्ग, z के लॉन्ग। लिखो, if a vector is equal to इतना, if a vector is equal to इतना is added to b vector if a vector is equal to i cap minus 2j cap plus 3k cap is added to b vector then the resultant vector then the resultant vector is of magnitude 4 is of magnitude 4 along positive y axis. Then the resultant vector is of magnitude 4 along positive y axis. Find b vector. Aap par hai ek minute.
आया क्या किसी का? चलो देखो सर्वेश, सर्वेश सर मेरा नहीं आया। शाबाश, ये तो उम्मीद थी। क्या है आपका ए वेक्टर कितना दे रखा है? ए वेक्टर दिया हुआ है आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि ए वेक्टर को अगर ऐड करूंगा बी वेक्टर के साथ तो एक ऐसा वेक्टर आ रहा है, इस ऐसा वेक्टर आ रहा है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड कितना? फोर। और कहां को है? पॉजिटिव वाई एक्सिस में। तो एक चीज बताई थी कि नहीं बताई थी आपको, कोई भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मान लो ए वेक्टर है तो ए उसका मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, शुरू में ही बता चुका हूं। तो फोर है, किस डायरेक्शन में है? पॉजिटिव वाई में। पॉजिटिव वाई में यूनिट वेक्टर क्या है? जे कैप है कि नहीं है? समझ में आई बात? किसी भी वेक्टर को कैसे लिखते हो? उसका मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ये हो जाएगा फोर जे कैप। ए वेक्टर को लिखो, ए वेक्टर को लिखो कितना आ रहा है? ए वेक्टर है आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू फोर जे कैप। बी वेक्टर को यहां रहने दो, माइनस आई कैप प्लस सिक्स जे कैप माइनस थ्री के कैप। किसी का तो आंसर सही आया है? किसी ने तो मेरे को आंसर भेजा हुआ है। सर वो बी वेक्टर फोर जे कैप कैसे आएगा? अरे मैग्नीट्यूड कितना उसका? चार है। स्टीन सर रिजल्टर का मैग्नीट्यूड चार है, रिजल्टेंट चार तो है उसका, उसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे ना, आर वेक्टर जब बनाओगे आर वेक्टर कितना आएगा? फोर जे कैप आएगा कि नहीं आएगा? मैग्नीट्यूड उसका चार है, किस डायरेक्शन में है? वो जे कैप की ओर को। आई बात समझ में? ठीक है, हाँ भाई किसी को कोई दिक्कत? हमारा आंसर ये निकल के आके, हाँ बोलो सर। इसमें आई कैप जे कैप का वो पोजीशन अगर आगे पीछे किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? आई कैप हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग, हाँ वो तो इसमें मतलब सिक्स जे कैप माइनस आई कैप माइनस थ्री के, हाँ ठीक है वो चलता है। लेकिन यार कोशिश क्या करो क्योंकि सारी उसमें नोटेशन ही होते हैं, पहले हम एक्स वाला लिखते हैं फिर वाई वाला फिर जेड वाला, तो हम आई कैप वाले को सबसे पहले लिखते हैं फिर जे फिर के लिखते हैं। ओके सर, ठीक है। Yes, sir. एक्स वाई कोऑर्डिनेट में कभी वाई एक्स वाई एक्स ना लिख दो, हमेशा इम्प्लाइड है ना पहला कोऑर्डिनेट एक्स होगा दूसरा वाई होगा। यस सर, ठीक है। ये तो ज्यादा और अच्छा स्पेसिफाइड है, आई कैप लगा दिया मतलब एक्स का ही बात कर दो, ठीक है। आगे पीछे सफल कर दो, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जनरली नोटेशन ये रहता है आई जे के हिसाब से। अब देखो मेरे से कह रहा है इसी क्वेश्चन में, हम आगे बढ़ते हैं। फाइंड यूनिट वैक्टर अलोंग B वेक्टर, कह रहा है यूनिट वेक्टर बताओ B वेक्टर के लॉन्ग, यूनिट वेक्टर बताओ B वेक्टर के लॉन्ग यूनिट वेक्टर कितना आएगा? अब एक बात बताओ, किसी भी वेक्टर को कैसे लिखते हो? उसका मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर बताओ, क्योंकि देखो B वेक्टर कौन सा है? B वेक्टर ना x एक्सिस में ना y में है ना z में, ये कोई एंगल पर होगा, कोई अजीब सी डायरेक्शन में जा रहा है ना। अगर खाली माइनस आई कैप होता तो समझ में आता है माइनस उसमें है, या फिर खाली सिक्स जे कैप होता समझ में आता है जेड वाई एक्सिस में, खाली वाई एक्सिस में। इस बार तीनों चल रहे हैं मतलब कोई एंगल पर आ रहा होगा, अजीब सा एंगल पर जा रहा होगा, ठीक है। अब आपसे पूरा गया है यूनिट वेक्टर बताओ इसके अलावा, तो फिर जब आपको शुरू में एक कहानी बताएगी, जब यूनिट वेक्टर की कहानी बताएगी वहां पर मैंने खाली लिखवा दिया था, अब उसका इस्तेमाल करना सीख। यूनिट वेक्टर कभी भी आपको निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका है उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, उस वेक्टर को उस मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो। बड़े काम की चीज है, बहुत ज्यादा काम आती है। तो भाई अपने पास पहले तो बी मैग्नीट्यूड बी निकालना पड़ेगा,
बी निकालने का अपने को तरीका पता है, 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बताओ। 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 46, ठीक है पक्का 36 और 9 45 46 था, तो रूट 46 आ गया, रूट 46 निकल के आ गया। तो हमारा पी कैप कितना हो जाएगा, बी कैप निकालने जाएंगे तो बी वेक्टर लिखो माइनस आई कैप प्लस सिक्स जे कैप माइनस थ्री के कैप डिवाइडेड बाय रूट 46 आ गया, ठीक है। अब इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, वन अपॉन रूट 46 आई कैप प्लस सिक्स अपॉन रूट 46 जे कैप, अब डिपेंड करेगा कैसा लिखा हुआ है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? देखो भाई अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको दिमाग में रखना। तो ऐसे ही होगा फाइनल आंसर? हाँ हाँ बस इतना ही होगा। तो इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे रूट 46 से? इसको तो मतलब उसको बी वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए? अरे यार बी वेक्टर तो मेरे को पहले से पता है ना, उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, बी कैप निकालना है मेरे को। ओके 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 सर। अच्छा एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ा है ना आपने? यस सर। कैसे पढ़ा था एडिशन ऑफ वेक्टर? यस सर। पैरेललोग्राम लॉ से, पैरेललोग्राम लॉ से वो फॉर्मूला आया था ना, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। 2ab cos थीटा। उसके आगे बढ़ते हैं, देखो अब और आसान तरीका बताता हूं तुम्हें। इस बार दो का नहीं, इस बार दो का नहीं, मैं तीन का करूंगा, चार करूंगा, पांच करूंगा, मैं छह सात वेक्टर में बहुत सारे वेक्टर को ऐड कर सकता हूं, ठीक है, ऐड सब्ट्रैक्ट बहुत कुछ कर सकता हूँ। अभी तक मैंने जो आपको बताया था पैरेललोग्राम लॉ की दिक्कत क्या है, हमेशा दो वेक्टर पर लगेगा बस। अब जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ वो आपका सब पर लग जाएगा, चार वेक्टर पांच वेक्टर सबका एडिशन, एडिशन मतलब उसको याद रखने की जरूरत नहीं ना है, याद रखना स्कूल में आएगा पहले खुल गए कॉलेज वॉलेज तुम्हारा जो भी है इलेवंथ में आता हो, ठीक है, और इनफैक्ट आपका आ जाएगा यार कभी ना कभी काम आ जाएगा, वो काम आता है आगे भी काम आता है। मैथ वाले कभी नहीं करते हैं, मैथ वाले कभी पैरेललोग्राम वेक्टर पढ़ाते हो, पैरेललोग्राम लोग बकवास चीज है, बकवास चीज मांग लेते हैं, लेकिन हमारे उसमें काम आएगा। हम कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता है, पता होना चाहिए ओरिजिन कहाँ से है। चलो मिटा रहा हूँ, कोई दिक्कत इसमें किसी को? नहीं सर। नहीं सर। चलो ठीक है, कैमरे का एंगल तुम्हारे टेस्ट में कहां तक आ रहा है? खाली डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ना? हाँ सर। तो कल ऐसा काम धाम करना, कल भी तुम्हारा लेक्चर है, कल तुम्हारे डिफरेंशिएशन जो सिलेबस है उसके जितने डाउट हैं डीपीपी और एक्सरसाइज कल मैं वही कराऊंगा, ठीक है। आपका वेक्टर में थोड़ी सी चीज बच जाएगी, वो बचेगा मल्टीप्लिकेशन, वो भी वेक्टर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट मैं पढ़ा दूंगा, डॉट प्रोडक्ट मैं पढ़ा दूंगा। हाँ चलो देखो, आपसे कहा गया है, आपको क्वेश्चन दिया होगा, ए वेक्टर दे रखा है 2i कैप। हाँ केतन, केतन। हाँ सर। केतन। यस केतन। हाँ सर। हाँ अगर मैंने a वेक्टर लिख दिया 2i कैप तो इससे क्या पता चल रहा है? मतलब वो पॉजिटिव साइड x एक्सिस में। अच्छा दूसरे वाले पे क्या पता चल रहा है? दूसरे वाले पे क्या चल रहा है?
मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव ये एक्स वाई प्लेन में और एक्स वाई प्लेन में भी है और पल्स दोनों कोऑर्डिनेट इसके पॉजिटिव है ठीक है ना हाँ सर ठीक है हाँ लेकिन जब मैं जो कहानी बताने जा रहा हूँ चलो पहले तो सिंपल वाली लिखते हैं सी वेक्टर आपको देखता है 2j कैप + 3k कैप आपसे पूछा गया है आर वेक्टर फाइंड आउट करो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर मान लो फाइंड आउट करने को आ रहा है बड़ा सिंपल हो जाएगा क्या होगा रिजल्टेंट वेक्टर जब ऐड करोगे हमेशा आई वाले एक साथ ऐड करोगे जे वाले एक साथ ऐड आई वाले कितने हो गए अच्छा इसमें कुछ को माइनस बना दो इसको माइनस बना दो इन दोनों को माइनस बना दो तो 2 + 1 इतना आई कैप ठीक है जे कैप में कितना हो जाएगा जे कैप में हो जाएगा प्लस का 2 - 3 जे कैप बताओ के कैप में तो -3 k कैप यहां तक किसी को दिक्कत आएगा 3i - j - 3k कैप ऐसा ऐड करना आता है क्या कर लोगे ऐसा हाँ सर हाँ सर इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर ax² + ay² + az² कितना हो गया √90 यहां तक तो मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आनी चाहिए सर वहां पे -1 लेंगे ना ay माइनस तो -1 का स्क्वायर करोगे बता कितने बार होता है ये माइनस किसके साथ होता है जे कैप के साथ होगा ना जे कैप के साथ हाँ कंपोनेंट तो 1 ही आएगा उसका ठीक है यहां तक कोई दिक्कत किसी को एक तो सिंपल ये प्रॉब्लम है कि ऐड किस करता अच्छा अगर यहाँ पर माइनस सी वेक्टर करता तो क्या हो जाता इस पूरे को माइनस के साथ ए वेक्टर लिखते या तो ऐसा लिखो इसको प्रॉपर लिख लो 2i कैप ए को ऐसे लिखो +i - 3j - 2j - 3k खत्म बात आई वालों को एक साथ करो जे वालों को एक साथ करो के वालों को एक साथ करो अब बीच में अगर मान लो माइनस भी आ जाता यहाँ पर माइनस करवाना चाहता आपसे अगर माइनस करवाना चाहता तो आप यहाँ पर माइनस कर लेते माइनस का साइन इस्तेमाल कर लेते क्लियर है कोई दिक्कत किसी को नहीं सर अगर यहाँ पर माइनस करवाता प्लस की जगह पर कहता रिजल्टेंट वेक्टर में ऐसा निकालना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर तो ए वेक्टर लिखते माइनस बी वेक्टर लिखते प्लस सी वेक्टर लिखते अब इसमें से आई जे के सबको अलग से हैंडल कर लेते क्लियर है इस बार आई कितना आता 1i कैप हो जाता है ना हाँ सर समझे जे कितना हो जाता जे हो जाता माइनस माइनस प्लस में आता 3 + 2 = 5 5 जे कैप हो जाता -3k कैप तो ये तो सिंपल है आपका मेरे ख्याल से इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसके आगे बढ़ते हैं ठीक है अब ये जो अगली चीज है ये आपका हमेशा देखो आपको प्रॉब्लम 3D में मिलना बहुत कम जान सकते हैं जनरली हमारी प्रॉब्लम 2D में रहती है वैसे एक्चुअल में तो 3D में रहती है लेकिन हमें जो प्रॉब्लम मिलती हैं क्लासेस के लिए वो मतलब एग्जाम्स में जाती है 2D की प्रॉब्लम होती है अब आपसे कहेगा आपसे ये इधर को है ए वेक्टर इधर को है जिसका मैग्नीट्यूड है 5 ठीक है ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है बस प्लेन की प्रॉब्लम है तीसरी एक्सिस नहीं है एक ही प्लेन में एक्स वाई प्लेन में बी वेक्टर इधर को है बी वेक्टर इधर को है मैग्नीट्यूड है 10 एंगल बना रहा है 37 सी वेक्टर ऐसे है एंगल बना रहा है 53 मान लो और डी वेक्टर ऐसे है इसका मैग्नीट्यूड है डी वेक्टर ऐसे है इसका मैग्नीट्यूड है अच्छा सी का बता देता हूँ 20 कर लेते हैं डी का अपन लोग क्या कर लेते हैं 20 नहीं करते हैं इसको 5 रखते हैं 5 रख लेते हैं
और इसको भी इसको बढ़ा देते हैं, इसको 10 कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं 20। चलो समझ में आ गया। डी है जिसका मैग्नीट्यूड ये, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 दे रखा है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 दे रखा है, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 दे रखा है, ऐसे करके प्रॉब्लम है। आपसे कह रहा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर निकालो, आपसे कह रहा है इन तीनों का रिजल्टेंट निकालो, ठीक है। तो कभी ऐसी प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम 2D की प्रॉब्लम, ठीक है, 2 डायमेंशन में चल रही है। हाँ सर, इस मेथड का नाम क्या है? कोई नाम नहीं है इसका, ये रिजोल्यूशन का ही आपका एप्लीकेशन है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की एप्लीकेशन है। अब एक बात बताओ, इसको करने के दो तरीके, या तो मैं डायग्राम में सॉल्व कर लूं, जो कि मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। सबसे पहले तो ये बताओ मेरे को, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी निकालना है, क्यों ना मैं हर एक वेक्टर को आई कैप जे कैप में लिख दूं, हर वेक्टर को एक, देखो सबसे पहले तो क्या है, ए वेक्टर की तो कहानी खत्म है, ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 10 है और वो आई कैप में, बताओ खत्म बात, ठीक है। उसका मैग्नीट्यूड 10 है और उसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर मेरे को पता है आई कैप है, तो 10 आई कैप हो गया, मामला खत्म। क्लियर है सबको? हाँ सर। हाँ सर, सर भी क्लियर है? जुबिया, जुबिया यस सर, क्लियर है? तुलसी क्लियर है? यस सर। श्रुति यस सर। रेया यस सर। रूही आकांक्षा यस सर। और सर्वेश कुछ जोक समझ में आया तुम्हें? एक जोक था इस प्रॉब्लम में, इसको समझ में आ गया मैसेज कर लेना, क्या जोक था? ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर को कैसे लिखोगे? एक चीज मैंने बताई थी रिजॉल्व करना है, यहां को है लास्ट लेक्चर में बताई थी 10 का है, इधर को कंपोनेंट कितना आएगा, इधर को कंपोनेंट कितना आएगा, इसके साथ अगर 37 बना रहा है, हाँ केतन केतन इधर को कितना आएगा? क्या सर? इसका कंपोनेंट इधर को कितना आएगा? इसके दो कंपोनेंट होंगे ना, एक इधर आएगा एक इधर आएगा, 10 का कितना आएगा? cos 37 cos 37 cos 37 जिस लाइन के साथ एंगल बना रहा है उधर को cos आता है, cos 37 इतना क्या आएगा माइनस आई कैप, बताओ कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, प्लस प्लस और क्या आएगा वाई में, वाई में कितना आएगा इसको, वाई में कंपोनेंट 10 का साइन 37। अबे एक बात बताओ, 10 का साइन 37 जे कैप लिखूं, अच्छा ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल 53 आएगा, ये वाला एंगल 53 आएगा, तो 10 का cos 53 लिखूं या 10 का sin 37 लिखूं, बात तो एक ही है, sin 37 और cos 53 सेम होता है कि नहीं होता? cos 53 भी 3/5 होगा, sin 37 भी 3/5 होगा, आंसर सेम आएगा, मैटर नहीं करेगा, ठीक है। अगर इसके साथ एंगल 53 दे रहा हूं तो ठीक है, इधर को cos आ जाएगा, cos 53 इधर को sin 53, क्लियर है मामला? जिस लाइन के साथ एंगल, ठीक है चलो बहुत बढ़िया। इसका कितना होगा 4/5 यानी आपका आ जाएगा 8, माइनस 8 आई कैप, ये हो जाएगा 6 जे कैप, बी वेक्टर भी का, सी वेक्टर, सी वेक्टर कितना हो जाएगा 5 का cos 5 का sin, पहले x वाला लिखते हैं तो हम 5 का sin बताओ, 5 का sin 53 माइनस आई कैप प्लस 5 का cos 53,
cos 53 माइनस जे कैप कितना आएगा साइन 53 कॉस 53 क्या है 3/5 और 4/5 है ना इसको माइनस 4 आई कैप और माइनस 3 जे कैप बताओ यहां तक कोई दिक्कत वीडियो पॉज होने वाला है एक मिनट का नो सर सर आपका वीडियो पॉज है और अभी तो बोला मैंने वीडियो पॉज होने वाला है करके सुषमा मैम का मैसेज है अटेंडेंस लेना है एडमिट करो एडमिट तो कर दिया हाँ अब सही है क्या डी वेक्टर हाँ सर डी वेक्टर कितना होगा डी वेक्टर को कितना लिखोगे सर भी श्रुति आवाज आ रही है क्या सर आवाज तो आ रही है हाँ तो डी वेक्टर ना तुम्हारी आवाज नहीं आ रही आंसर नहीं आ रहा है तो आवाज नहीं आ रही डी वेक्टर बताओ डी वेक्टर कितना आएगा श्रुति 20 माइनस जे कैप ऐड करो क्या पूछा उसने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर सबको अगर एड अप करोगे आई कैप वाले पकड़ो आई कैप के साथ क्या है 10 है माइनस 8 है माइनस 4 है बस इतना ही है जे कैप के साथ वाले को पकड़ो जे कैप के साथ कौन कौन है 6 है पहले वाले में कुछ नहीं है फिर 6 है फिर माइनस 3 है फिर माइनस 20 है जरा ध्यान दो मैंने प्लस का जे लगा रखा है तो ये माइनस इसके साथ आ जाएगा ओवरऑल जो भी आता है कितना आ गया माइनस 2 आई कैप और 23 कितना हो जाएगा माइनस 17 जे कैप आई बात समझ में अगर तुमने ऐसा डायग्राम दिया हो तो रियल 10 ऐसे निकाल लेना दो मिनट लिखने दो अरे बिल्कुल ये तो सिखाना है सर वो डी वाई के अपोजिट है इसलिए माइनस एक्स माइनस जे लिखा गया हाँ देखो नेक्स्ट वीक से आपका प्रॉपर फिजिक्स चालू हो जाएगी ठीक है ऑफलाइन तो अरे ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन ही चालू होगी मैं ही पढ़ाऊंगा यहाँ सर मैं यहाँ से छोड़ आऊंगा मुंबई ओके सर बताओ तो घर के आगे पढ़ा दूं मैं कुर्मा पॉजिटिव निकलाऊं वैसे ही अभी चलेगा सर घर आगे पढ़ा दूं चलेगा सर कोरोना वाले हो गए तो घर वाले को कोरोना हो गए तो कोई टेंशन नहीं सर इम्यूनिटी है सर हमारे पास सर काढ़ा पीना पड़ता है हाँ ये तो है हमारे वहां तो लोग दो छींक रहे हैं कोरोना निकल जा रहा है ऐसा ही बाहर में रहते हैं वैसे इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है लोगों की इधर की साइड पे आपको समझ नहीं है कोरोना को स्कैम है सर और
इसको आवाज नहीं आ रही। यार आवाज नहीं आ रही तो कुछ तो करना पड़ेगा। सर आवाज आ रही है, वीडियो पॉज्ड है। आ रही है सर, आ रही है सर। हाँ सर, वीडियो भी चालू हो गया। हाँ सर, हाँ सर, ठीक है। बताओ भाई ये लिखिया। यस सर। सर वो आई कैप जे कैप के कैप लिखना कंपलसरी है। हाँ अब नहीं तो पहचानोगे कैसे, मतलब का सीधे ऐड कर लोगे उसको। माइनस दो माइनस सत्रह, गड़बड़ाना मत, तो सिस्टम चल रहा है। अबे पहले तुम मनमोहन सिंह के अंदर थे, मोदी के अंदर आए तो कुछ बदलाव आया। यस सर, आए है ना, कुछ तो अडेप्ट किया होगा ना। वैसे अडेप्ट करना है, कैंसिल लेवंथ में आए, अब फिर अगले साल अगली बार अपने वो आ जाएंगे, गांधी जी आ जाएंगे, राहुल गांधी जी। नहीं सर, तो फिर नॉट पॉसिबल सर। केजरीवाल को बुला देते हैं, आइडिया है बंदा। हाँ सर चलेगा सर, फिर भी कुछ तो मेहनत करके पास किया होगा। और क्या भाई, मैं तो कह रहा हूँ पूरा, मेरे को लगता है पता है पूरी मिनिस्ट्री ऐसी देनी चाहिए जिन्होंने यूपीएससी निकाल रखा है, यूपीएससी जिन्होंने निकाला हुआ है उनको, उनको 50 साल का रिटायरमेंट देके अगले 10 साल राज करो, मतलब मिनिस्ट्री दे देनी चाहिए प्रॉपर। सर आप कर लो। हाँ सर, मेरा खुद का एग्जाम 18 तारीख को, मैं वो वाला नहीं कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग, मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज देता हूँ। सर नई पार्टी बना दे सर, कोई भी बना सकता है आजकल। सर हम वोट करेंगे सर। सर मेरा वोट फिक्स है सर। मैं नारा लिख के आता हूँ आपके लिए। अरे बस बस चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये समझ में आ गया, अब इसको शॉर्टकट में करते हैं, ठीक है। जल्दी से यहाँ तो स्क्रीन शॉट खींच लो जिसका बचा हुआ है, फटाफट लिखो इसको। देखो अब इस पर हम चलाकी क्या करेंगे, चलाकी हम करना सीखते हैं, मिटा दो उसको। हाँ सर मिटा दो। देखो चलो, देखो कहानी है, अब लड़कियां पूछती उस टाइम वो जो जोक मारा था उसमें जोक क्या है, अब जिसको समझ में आ गया समझ में आ गया, सभी समझ में आया उसमें जोक क्या था इसमें सर, मुझे तो समझ में आया। हाँ ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं। चलो देखो ए वेक्टर तो 10, ये तो ठीक है, ए एक्स एक्सिस में अपने को कोई दिक्कत नहीं कर रहा, इसको तोड़ना है। इधर कितना आएगा, इधर कितना आएगा, फटाफट बताओ। इधर वो 10 का कितना आएगा, 10 का cos 37, 10 का cos 37, 10 का cos 37 कितना होता है, 10 का cos 37, cos 37 होता है 4y5 into 10 करोगे तो 8 आ गया, 8 आ गया। ऊपर कितना आएगा, 10 का sin 37, 10 का sin 37, sin 37 होता है 3y5, 10 into 3y5 आपका 6 आ जाएगा। एक बार आपने इसको कंपोनेंट में तोड़ दिया, इसको गैप कर, एक बार इसको आपने इसके टुकड़े कर दिए, एक बार इसके टुकड़े कर दिए तो ये गायब हो गया वेक्टर। और ऐसे ही सेम 5 का cos 53, 5 का cos 53, cos 53 होता है 3/5, इधर को आ गया कितना 3, उधर को कितना आएगा 5 का sin 53, 5 का sin 53 ऊपर को आएगा 5 का sin 53 होगा 4, ये गायब हो गया। कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस है, हाथ से मिटा रहा हूं। फिर आपने B वाला कौन कैसे मिटाया, अब मिटा दियो हाथ से, मिट गया यार। कॉस साइन, उसका साइन कॉस लगा दिया, अब रिपीट में प्ले कर लेना यहाँ से, और हमें रिकॉर्डिंग के कौन से इसमें टाइम दिख रहा है देख लेना, ठीक है। अब देखो एक्स में क्या है, एक्स में 10 इधर है 12 इधर है, 10 इधर है 12 इधर है, तो अपने पास क्या बचा, 2 इधर बचा, बताओ। वाई में 6 उधर है 23 इधर है, तो 17 इधर बचा, तो हमारे पास एक फाइनल इतना बचा कि x में 2 है y में 17 है, लेकिन कहां को है, माइनस x में है या माइनस y में, तो 2 कैसे आया, 8 प्लस 4 माइनस 10, इधर 12 है इधर 10 है, तो इधर कितना आएगा, 2 आएगा ना, तो रिजल्टेंट कितना आ गया आपका, 2 माइनस का i कैप प्लस 17 माइनस का j कैप। मैग्नीट्यूड आप निकाल लोगे अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, कल मैं एंगल वगैरह पूछता, एंगल वगैरह पूछता तो टेन थीटा हमेशा ए वाई अपॉन ए एक्स, ए वाई अपॉन ए एक्स कर लो, बस याद रखना चाहिए ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में
तो थीटा टेन इनवर्स आ जाएगा, थीटा टेन इनवर्स 17 बाय 2। ये बिना ये डायग्राम के भी कर सकते थे अभी तक आप, बस डायग्राम वो नहीं समझा। कोई बात नहीं, वीडियो दोबारा देखना। हाँ वीडियो में देखना। और टू पता नहीं कैसे आया, मैं कोई नहीं पता। अबे 8 प्लस 4 12 होता है, 12 माइनस 10 2। अबे 4 कहाँ से आया, 10 माइनस क्यों किया, माइनस क्यों किया 10? इधर वाले कान में 100 लगा, इधर वाले कान में 80 लगा, तो कितना आएगा नेट? 20। समझ में आई बात अभी भी? ये 12 है, इधर 12 हो गया है, इधर 23 हो गया है, ऊपर 6 है। करो यार, अभी इतना पार्ट दोबारा देख लेना, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वीडियो में दोबारा देख लेना, देखना होगा तो। थीटा का ay by ax होगा ना, ay by this ट्रायंगल जब बनेगा ना, ट्रायंगल जब बनेगा, ये रेक्टेंगल जहां जो जब बनेगा ये ऐसे करके, तो दिस tan थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना 17 है, 17 अपॉन 2 आएगा, आएगा धीरे धीरे आएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। कैसे आया, समझ में आया? इधर 2 है, ये 17 है, तो ये 17 होगा, ये 2 होगा ना, tan थीटा 17 अपॉन 2। अगर मान लो सेकंड क्वाड्रेंट में आता कुछ चीज, कोई वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो ये थीटा भी ए वाई अपॉन ए एक्स होगा, ए वाई अपॉन ए एक्स। बस याद रखना ए वाई इसका प्लस का ए एक्स नेगेटिव में दिया होगा, आप पॉजिटिव ले लेना, आप पॉजिटिव लेना तो आपका ये वाला एंगल निकल के आएगा। तो एक्चुअल एंगल क्या होगा, 180 माइनस थीटा, एक्चुअल एंगल आ जाएगा 180 माइनस थीटा। चलो वो अभी आ गया, आप प्रॉब्लम करोगे तो आपको क्लियर होने लग जाएगी अपने आप चीजें। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं सर? नहीं सर। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो हेडिंग डाल लो, अब हेडिंग डाल लो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। रुको एक सेकंड, हाँ कुछ बचा तो नहीं है मेरा? हाँ तो वो मेरा कुछ ऐसा कुछ तो नहीं बचा है। हाँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, हेडिंग डालो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, डाल लो मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। देखो यार, सिंपल स्केलर को मल्टीप्लाई करना है, 2 × 3 कितना आ गया, 6 आ गया, खत्म बात, ठीक है। वेक्टर में दिक्कत है, वेक्टर में दिक्कत है, आपसे कहूंगा मैं 2i कैप, एक वेक्टर है 2i कैप, इसको मल्टीप्लाई करो 3j कैप के साथ, आपको समझ में नहीं आएगा क्या करना क्या है, ठीक है। आपने नॉर्मल स्केलर में एडिशन सब्ट्रैक्शन बचपन से करते आए, अब वेक्टर में कैसे होता है? वेक्टर में दो चीजें हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, हेडिंग डालो मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर में दो चीजें आती हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स में दो चीजें आएंगी आपकी, क्या आएंगी? देखो एक आता है स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, एक आता है आपका वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलेंगे, डॉट प्रोडक्ट, और इसको बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम क्रॉस प्रोडक्ट। हाँ भाई फटाफट लिखो इसको, फटाफट लिखो। दो टाइप के प्रोडक्ट है, दो टाइप के मल्टीप्लिकेशन है, एक है आपका, एक है आपका स्केलर प्रोडक्ट, एक है वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर को डॉट भी करते हो और वेक्टर को भी, कहाँ काम आता है, काम कहाँ पे? देखो तो आगे जाके ऐसा होगा, हम दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके स्केलर लेके आएंगे, दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके स्केलर लाना है, तो वहां ये इसका इस्तेमाल होगा। दो को मल्टीप्लाई करके हमें वेक्टर लाना है, ठीक है। आगे आगे समझ में आ जाएगा, जब जब आएगा मैं पढ़ाऊंगा आपको आगे जाके, तो मैं बताते जाऊंगा क्यों पढ़ाया था ऐसा कुछ पहले, ठीक है। तो इसलिए अभी हम पढ़ा दे रहे हैं। देखो जनरली मैं यहाँ लोकल में पढ़ाता था, मैं ही देखता था,
ज्यादा बच्चे होते थे अपने वालों में, दो बैच होते थे कुछ, एक एक होता था 15 बच्चों का, 15-20 बच्चों का, एक यहाँ होता था 70 बच्चों का, और 20-25 छांटे वाले होते थे, वो भी हम नवंबर में छांटते थे, अप्रैल से बैच चालू हुए नवंबर में छांटते थे, नवंबर में आके पता चलता यार ठीक ठाक बच्चे हैं, तो 15-20 सेलेक्ट कर लिए। तो कहने का मतलब ये है, कैसे सिलेक्ट करते हो मतलब? अरे टेस्ट के बिहाफ पर परफॉर्मेंस, अटेंडेंस क्या है बच्चे की, तो वैसे अरे छोड़ा यहाँ था लोकल कोचिंग थी, ठीक है, तो ये था। तो क्या बता रहा मैं, हाँ तो बताते जाओ, आगे जाके आपको समझ में आ जाएगा। अब उनको तो हम थोड़ा पहले पढ़ा देते थे, फटाफट पढ़ा देते थे, वो समझ जाते, वो हाँ ठीक है बोल रहे हैं, विश्वास होता है ठीक है सही पढ़ा रहे हैं, मान लिया आगे जाके। अब वो 12th के एंड तक आने आने तक बच्चा जो 15-20 को पढ़ा रहे, हमेशा क्वालिटी मटेरियल दो और उसको आगे आगे जाके क्या होता है, बच्चों को जब सारी नॉलेज होने लग जाती ना। अब देखो आप अभी पढ़ो, अब 11th के एंड में जाओ, आपको 10th का सब्जेक्ट बड़ा आसान लगेगा, 10th की मैथमेटिक्स बड़ी आसान लगी आपको, आड़ी शर्मा अलग नहीं क्या है आसान है, ठीक है। तो अभी कुछ ये हम पहले पढ़ा देते हैं, जैसे मैं यहाँ पढ़ा था, यहाँ मैं वेक्टर पढ़ाता ही नहीं था, वेक्टर का ये नहीं पढ़ाता मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि जरूरत लेट है, बहुत बाद में जरूरत है इसकी, लेकिन यहाँ पर क्या आपको टेस्ट वेस्ट देने हैं तो इसलिए आपको जरूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है, टेस्ट में पूरा आएगा। तो हम बात करते हैं स्केलर प्रोडक्ट, देखो स्केलर प्रोडक्ट से हम चालू करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है, दो वेक्टर को अगर हम स्केलर करते हैं, स्केलर या फिर डॉट, तो ए वेक्टर बी वेक्टर होता है ए बी कॉस थीटा। हाँ भाई, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, थीटा क्या है यहाँ पर, थीटा क्या होगा, हाँ सर वैसे थीटा क्या होगा सर, एक बार थीटा क्या होगा, मेरा कनेक्शन ठीक नहीं है। हाँ चलो बहाने बहुत अच्छे हैं केतन, थीटा क्या होगा, क्या ही हो सकता है, बिटवीन ए एंड बी, ठीक है ना, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में, दोनों के बीच का एंगल, ठीक है, दो वेक्टर है आपके सिंपल, एक ए वेक्टर है बी वेक्टर है, बीच में एंगल है थीटा, ए क्या है बी क्या है, ए मैग्नीट्यूड है ए का, बी बी का बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो ये कहानी है आपकी, कोई दिक्कत इसमें, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल से सिंपल क्वेश्चन, एग्जाम्पल जो भी कभी नहीं आएगा, कहेगा मैग्नीट्यूड ए देगा आपको, कहेगा एक एक फोर्स लग रहा है आपका 50 न्यूटन का, बी फोर्स लग रहा है, बी का बी था आपका 25 न्यूटन का, एंगल 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 दे रखा होगा, एंगल बिटवीन, आपसे क्वेश्चन बोलेगा टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, वन फोर्स इज ऑफ मैग्नीट्यूड 15 न्यूटन एंड अदर फोर्स इज ऑफ मैग्नीट्यूड 25 न्यूटन एंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज इतना, एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज एंगल बिटवीन देम, बिटवीन देम आपको 37 दे देगा, कहेगा फाइंड देयर डॉट प्रोडक्ट, फाइंड द डॉट प्रोडक्ट, आपसे ए डॉट बी फाइंड आउट करने को कहता है, यार ए डॉट बी वेक्टर फाइंड आउट करना है, क्या तरीका है ए डॉट बी फाइंड आउट करने का, फॉर्मूला आपको पता है ए बी कॉस थीटा, ए का मैग्नीट्यूड कितना है 50, बी का मैग्नीट्यूड कितना है 25, कॉस 37, इतना घटिया क्वेश्चन कहीं नहीं आता, सिंपल फॉर्मूला लगाना सिखा रहा हूं, 50 25, हाँ सर वेस कॉस 37, कॉस 37 कितना होता है, शाबाश, हम पर क्या क्या होता है ना, कभी आइंस्टीन को गुजरे जमाना हो गया, अब नया आइंस्टीन आया हुआ हमारे पास, देखो जरा, हाँ तभी तो कह रहा हूँ नया आइंस्टीन आया, वो समय के साथ होता, पहले न्यूटन आया था, फिर आइंस्टीन आया, फिर सर्वेस आया, पता भाई मल्टीप्लाई करो तो 5000 आ जाएगा, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अब इसके आगे क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट में यूनिट यार डिपेंड करेगा, यहाँ पर तो न्यूटन स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर न्यूटन स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन स्क्वायर हो जाएगा, जो कि कोई क्वांटिटी नहीं होती है वैसे, मतलब फिजिकली ऐसी क्वांटिटी नहीं होती है, फोर्स इनटू फोर्स का भी मल्टीप्लाई नहीं होता, ठीक है, फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है,
तो चीजें होती हैं, लेकिन फोर्स इनटू फोर्स नहीं होता, ठीक है? ओके, वो आगे आगे पढ़ते जाओगे उसको, यूनिट एंड डायमेंशन में या फिर स्कूल में पढ़ा दिया होगा, स्कूल में अगर आप स्कूल की क्लासेस चालू हैं तो यूनिट डायमेंशन से चालू करते हैं, तो वहां पर पढ़ाया होगा पावर क्या होती है, वर्क डन क्या होता है, थोड़ा बहुत पढ़ा देते हैं हम लोग, नहीं पढ़ाते, बाद में पढ़ाएंगे। ये है देखो, कोई दिक्कत यहाँ किसी को, कोई दिक्कत नहीं सर? हाँ चलो देखो, एक बात बताओ, आई कैप डॉट आई कैप कितना होगा? हाँ आकांक्षा, आई कैप डॉट आई कैप कितना होगा आकांक्षा? सर आई स्क्वायर होगा, और क्या होगा? बहुत सही, आई कैप डॉट आई कैप, ये रूल को फॉलो करते हुए चलो। आई कैप का मैग्नीट्यूड ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई में वन इंटू कॉस, जीरो डिग्री होगा कि नहीं होगा? कॉस जीरो डिग्री, यार आई और आई वेक्टर ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं है? ये कहाँ को है? एक्स एक्सिस की ओर को यूनिट वेक्टर है, ये भी एक्स एक्सिस को यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड वन, इसका मैग्नीट्यूड वन, ये लगाओ फॉर्मूला तो लगाओ, ए का मैग्नीट्यूड वन, बी का मैग्नीट्यूड वन, दोनों के बीच में एंगल जीरो डिग्री, तो कितना कॉस जीरो? वन आ जाएगा। सेम तरीके से जे डॉट जे कितना होता है? जे डॉट जे बताना पड़ेगा क्या, पूरा लिख के बताऊं कि वन लिख दूं? समझ में आया क्या किया है? ये फॉर्मूला याद रखो, आई डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला। क्या हो गया कांसा? कंगना के मतलब कंगना का पीएमसी ने घर तोड़ दिया तो की हो, कुछ ध्यान व्यान नहीं हो पा रहा है सर, सोचने का टाइम नहीं मिला। अरे बैकग्राउंड में कौन है? अरनाब गोस्वामी तो चल रहा है। देखो जे डॉट जे वन, सेम तरीके से के डॉट के भी वन होगा, बताओ ये समझ में आई? और लाइन कैसे आई है? पहले लाइन देखो, आई डॉट आई, ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा, इसका वन हो गया, इसका वन हो गया, बीच में एंगल कितना है? कॉस जीरो। ये दोनों वेक्टरों के बीच में एंगल कितना है? कॉस जीरो तो आएगा। अच्छा किसी और को पकड़ते हैं, किसको पकड़ा जाए? इसको पकड़ा जाए, सिराज। हाँ सर बोलो। राज हाँ सर, आई डॉट जे कितना होना चाहिए बताओ? आई का मैग्नीट्यूड वन, हाँ वन, कॉस जीरो, कॉस जीरो, cos 90, cos 90, हाँ आंसर आ गया चाहिए। हाँ सर ठीक है। अबे जे डॉट के कितना हुआ? जे डॉट के कितना हुआ यार? जीरो, जीरो, समझ में आता है? तीनों म्यूचुअली क्या थे? एक्स वाई जेड क्या होते हैं? तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है? तो के डॉट आई कितना होगा? जीरो। अच्छा मैटर करेगा क्या? क्या मैटर करेगा कि मैं के डॉट जे लिखूं या जेड, मैं जे डॉट के लिखूं या के डॉट ए लिखूं? के डॉट के लिखूं, जे डॉट के लिखूं या के डॉट जे लिखूं, मैटर करेगा क्या? कोई मैटर करेगा? ए को पहले लिखूं है ना, ए का मैग्नीट्यूड टू है, बी का थ्री है, तो टू इंटू थ्री इंटू कॉस समथिंग लिखूं या फिर थ्री इंटू टू इंटू कॉस समथिंग? बात तो एक ही आएगी। अरे एक ही आएगा कि नहीं आएगा? होगा कसम से, अगर वो हो गया तो मैं बहुत दिक्कत आ जाएगी। हाँ ए क्रॉस बी डॉट सी हो जाएगा और कॉलेज में जाना कसम सर थोड़ा सा मेरे साथ कॉलेज में जाओगे तो सबसे पहले सेमेस्टर में मिलेगा आपको, सबसे पहले सेमेस्टर में मिलता है ए क्रॉस बी डॉट सी, ऐसी चीजें भी मिलेंगी देखने को। तो स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम लगेंगी वहां पर चीजें। अभी लिमिट में रहो यार, अभी टेंथ क्लास पास मुश्किल से हो रखे हो, कोरोना के चक्कर में पास हो गए तुम लोग, हिम्मत नहीं होती पास। हम लोग की एग्जाम हुई अरे दिमाग की पांच सीबीएसई की, सबने पास करवाया तुम्हें, कोई परसेंटेज परसेंटेज रखे तुम लोग?
बस सर्वेस को छोड़ के बाकी सबकी फंजी आ रखी है मेरे को लग रहा है सर्वेस बोलिए सर यार एक कनेक्शन किसी का तो बड़ा वीक है अच्छा लिख लिया सबने ओके सर हाँ सर चलो आगे बढ़ते हाँ सर आगे बढ़ते हाँ भाई अगर ऐसा सिनेरियो है इसको जरा ढंग से दिमाग में रख लो भाई आई डॉट आई वन होता है जे डॉट जे वन होता है और के डॉट के वन होता है ठीक है चलो इसके आगे बढ़ते हैं अब कल के दिन में आपसे दे दिया गया दो टाइम की प्रॉब्लम इसके आगे प्रॉब्लम आएंगी याद रखना बेसिक क्या है बेसिक अपने पास एक ही चल रहा है बेसिक अपने पास हाँ इतने ऊपर ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा याद रखना डॉट प्रोडक्ट होता है क्वेश्चन क्या आएगा क्वेश्चन आएगा ए वेक्टर टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप ठीक है बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस टू आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस थ्री जे कैप फाइंड ए डॉट बी फाइंड ए डॉट बी सिंपल क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन ठीक है अब देखो ए इसमें क्या होता है अब ए डॉट बी करना है आपको मान लो ए डॉट बी करना है आपको ठीक है ए डॉट बी क्या होता है ए बी कॉस थीटा लेकिन हम राइट हैंड साइड से नहीं चलेंगे हम इधर से नहीं चलेंगे अभी क्योंकि थीटा पता ही नहीं है अपने को थीटा पता ही नहीं है तो हम ए डॉट बी करते हुए चलेंगे अब जरा ध्यान देना ए डॉट बी कैसे करोगे टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप है लिख दिया डॉट को डॉट रहने दो ठीक है माइनस टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस थ्री के कैप तो हमने क्या किया पहले इसको देखा 2i को क्या लगता है 2i को सबके साथ डॉट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए सर उधर 2 2j आएगा ना अबे कहां 2j आएगा सर वो b हां ये ना ठीक हो गया अच्छा ये समझ आता है पहले इसको सबसे मल्टीप्लाई करना चाहिए फील हो रहा है अंदर से फील आ रहा है कि यार पहले इसको सबसे मल्टीप्लाई करता हूं है ना बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लगा देता हूँ एक काम करो या तो माइनस लगा दो यहाँ पर तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा तो अगला क्या होगा अगला माइनस थ्री जे कैप को पूरे के साथ डॉट कर लेता हूँ माइनस टू आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस थ्री के कैप बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नो सर अब एक बात बताओ टू आई को माइनस टू आई कैसे है तो क्या होता है भाई a डॉट b क्या होता है a डॉट b क्या होता है ab cos थीटा इसका 2 है इसका माइनस 2 मान लेते हैं चलो ठीक है माइनस साइन तो आएगा ही आएगा कोई दिक्कत इसमें माइनस साइन तो आने ही आना है तो इसको एक काम कर लेते हैं माइनस 2 लिख देते हैं i डॉट i हो जाएगा 1 i डॉट i हो जाएगा 1 ठीक है 2 इंटू माइनस 2 और i डॉट i 1 हो जाएगा प्लस 2 इंटू 2 इंटू आई डॉट जे जीरो हो जाएगा आई डॉट जे जीरो होता है आई डॉट जे जीरो होता है माइनस या फिर प्लस लिख लो टू माइनस थ्री इंटू जीरो क्योंकि आई डॉट के जीरो हो जाता है बताओ इतना आया फिर माइनस माइनस यहां से चालू करो जे डॉट आई अगर माइनस लेके चल लो इसको माइनस बाहर छोड़ दो इसको प्लस का लेके चलो तो तीन और माइनस दो तीन माइनस दो इंटू जीरो जे डॉट आई जीरो हो जाएगा सेम तरीके से क्या हो जाएगा तीन इंटू दो इंटू जीरो और सेम तरीके से हो जाएगा प्लस का थ्री इंटू माइनस थ्री इंटू वन ना 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 सर सर जे इंटू जे वन आएगा हाँ वन आएगा यहाँ पर वन आएगा यहाँ पर जीरो आ जाएगा तो हुआ क्या है जब यार ये आई वाले को डॉट कर रहा हूं पूरे के साथ तो सिर्फ आई वाला बचेगा क्या बचा
टू इंटू माइनस टू कितना बचा, माइनस का फोर, बाकी सारे निपट गए, बाकी सारे निपट गए, माइनस क्या हुआ निपट गया। जे का किसके साथ, जे के साथ बचेगा, जे के साथ कितना बचा, कितना बचा, छ माइनस, वो माइनस मैंने बाहर ले लिया ना, ठीक है, वैसे कायदे से मेरे को माइनस अंदर ले लेना चाहिए था, वैसे ज्यादा बेटर रहता। चलो समझ लो अभी, फिर अगले वाले में क्या हो जाएगा, जीरो। तो कितना हो गया, माइनस फोर माइनस सिक्स माइनस टेन। डॉट प्रोडक्ट, हमेशा डॉट प्रोडक्ट का आंसर जो आएगा, डॉट प्रोडक्ट का हमेशा आंसर आपको एक स्केलर क्वांटिटी आएगा, तभी तो नाम स्केलर प्रोडक्ट है। आई कैप जे कैप के कैप नहीं आएगा, डॉट प्रोडक्ट का हमेशा आंसर एक मैग्नीट्यूड निकल के आएगा, एक स्केलर क्वांटिटी निकल के आएगा। देखो इसको लिखो, इसको लिखो, फिर मैं आपको इन जनरल फॉर्मूला बता देता हूं कि अप्रोच कैसे करनी है, ठीक है। तो इतना लिखो, हाँ श्रुति हुआ क्या, समझ में आया, गया आया कि ऊपर से गया, हवा में चले गया, आया सर समझ में, ठीक है। ये याद रखना है, ये वाली चीज याद रखना, इधर वाली जो लिखा है। हाँ सर, और कोशिश करना है कल रिवाइज करके आना चीजों को, कल रिवाइज करके आना, कॉपी एक बार रिवाइज करके आना। कल मैं वेक्टर प्रोडक्ट करूंगा, खत्म कर दूंगा 40-45 काम में, और फिर डिस्कशन ही करूंगा आपका, जो टेस्ट में सिलेबस आ रहा है आप आराम से पूछो, कोई दिक्कत नहीं। कल वेक्टर खत्म करके, और हाँ नेक्स्ट वीक का पहला लेक्चर, नेक्स्ट वीक का पहला लेक्चर, मेरे को सारी डीपीपी चाहिए, मेरे को शीट चाहिए वेक्टर तक की, मेरे ख्याल से 11 तक हो जाएंगे ना। कहा तुम्हें केतन, हम लोग डीपीपी कहां तक कर पाएंगे, वेक्टर अगर कंप्लीट हो गया तो? हाँ सर, वेक्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम डीपीपी कहां तक कर पाएंगे? तो मैंने तो 10 तक ही किया है सर, सारे मिक्स है शायद। हाँ थोड़ा रेक्टिलिनियर मोशन भी मिक्स होगा, एक काम करना सर, काइनेमेटिक्स भी मिक्स है। हाँ ये बताओ तुम, सर ने मेरे से पहले जेपीएन सर ने कहां तक डिस्कस करी थी? 6-7 8 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
हाँ सर हो गए। हाँ अभी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आएगा जो आपकी वर्कशीट में है, अच्छे खासे क्वेश्चन है और मैंने कॉपी में जो करा था ना वो रिवाइज कर लो, अगर वो समझ में आ गए तो आपका हो जाएगी लगभग 90-95% प्रॉब्लम बना ले जाओ, उससे ज्यादा नहीं आएगा। आपको
पता है कितने पे क्या मिलता है, कितना स्कोर लाने पे क्या मिल जाता है, है? ये एक्सपेक्ट मत करो जो टेंथ में तुम्हें सीबीएसई ने दे दिया कोरोना के चलते, और वैसे भी फैक्ट है भाई सीबीएसई, अगर आपने पहले इससे पहले कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं दे रखा है तो मान के चलो 50% स्कोर भी अगर रेजनेंस में आप खींच रहे हो ना, 50% बहुत अच्छा स्कोर है अभी शुरू में नहीं, अभी तीन चार महीने बाद अगर आप, अभी तो ज्यादा खींचना चाहिए, अभी तो 70 तक कोशिश करो, 60-70 के ऊपर लाने की कोशिश करो, 50 भी बुरा नहीं है, 50 वाला भी एनआईटी तक चले जाता है अच्छी खासी, रेगुलर कंसिस्टेंसी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि बीच में डाउन हो गया यार नंबर कम आ रहे हैं, ऐसा नहीं, ये चलते रहो, ठीक है? जहां पढ़ा 2015 में वहां से निकला, सब लोग थोड़ी बचपन से ही, अरे बचपन से कोई नहीं पढ़ता यहाँ, मैं हल्द्वानी में पढ़ा रहा हूँ, हम 11th और 12th में पढ़ाते हैं, 2 साल में पढ़ा के 206 रैंक लेकर रखे हैं बच्चा, 512 रैंक लेकर रखे हैं, मतलब 1000 के अंदर 2 बच्चा मिल जाता है हर साल, अलोन 12 सिर्फ अलोन 12 में मेहनत करते हैं और स्कूल बंक मारते हैं, मैं 2 काम करता हूँ, कोचिंग में पढ़ता है और स्कूल बंक मार लेता है, मतलब स्कूल में कुछ जुगाड़ लगाता है कि मतलब बिना स्कूल जाए नंबर मिल जाए, क्योंकि यार अगर आप कोचिंग में पढ़ रहे हो तो आपको सिखाया तो जा रहा है कॉन्सेप्ट, तो आप अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग तो हो ही जाओगे। चलो आगे देखते हैं, देखो अपना क्या है, अपने को मान लो अगर a वेक्टर दे रखा है ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, एग्जांपल के लिए 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, b वेक्टर दे रखा है bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप, तो a डॉट b कितना हो जाएगा भाई, a डॉट b क्या होगा जब डॉट करोगे, जरा ध्यान देना इस बात, जरा ध्यान देना, a z k कैप का डॉट करोगे b x i कैप प्लस b y j कैप प्लस b z k कैप के साथ, अगर ऐसा करते हो पहले तो ए एक्स को डॉट करोगे पूरे के साथ, जब इस वाले को डॉट करोगे पूरे के साथ तो आई कैप डॉट आई कैप तो वन हो जाएगा, तो बेसिकली आगे का ए एक्स और पी एक्स बच जाएगा, साथ में इसको डॉट करोगे इसके साथ तो ए एक्स बी वाई आई डॉट जे बन जाएगा जीरो, समझो जरा बात को, आई डॉट जे जीरो, फिर इसको डॉट करोगे इसके साथ आई डॉट के बन जाएगा जीरो, सेम चीज अगली बार इसको इसके साथ करोगे जीरो, ए वाई बी वाई प्लस जीरो, इसको करोगे इसके साथ पूरे के साथ डॉट, तो के डॉट आई, के डॉट आई आपका जीरो होता है अगर याद होगा तो, के डॉट जे भी जीरो आएगा, ये बन जाएगा के डॉट के वन बन जाएगा ए जेड बी जेड, बताया था है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, अब इसको इंडिविजुअल वेक्टर की तरह ट्रीट करो, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ए जेड, इसका बी जेड, तो a b cos 0 इसको इससे साथ करोगे तो a b cos 90 cos 90 0, इसको इसके साथ करोगे तो a b cos 90 a b cos 90 0, तो बचा क्या ax bx plus ay by plus az bz, एग्जाम्पल ए वेक्टर है आपका 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है, बी वेक्टर है आपका माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप प्लस 3k कैप, हाँ भाई a डॉट b करना है, अगर a डॉट b करोगे क्या करना है आपको, x वालों को अलग से करना है, तो 2 इंटू माइनस 1 बताओ प्लस माइनस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3, बस सिंपल, समझ में आई प्रॉब्लम की नहीं आई, हाँ सर हाँ भाई हिमांग, हाँ सर समझ में आया, हाँ सर ठीक है,
अबे विनीत, विनीत यस सर, तुम इसी बैच के हो गया? यस सर। अच्छा, दूसरे बैच में भी एक विनीत आता है? विनीत नाम बहुत कॉमन हो गया क्या? मेरे माँ बाप ने सोचा था थोड़ा मैं विचित्र टाइप का प्राणी होता था, नाम मिलता नहीं था। सर वो जनरल फॉर्मूले है क्या? एक्स बी एक्स ए बाय बी वन। सर वो फॉर्मूला है? हाँ फॉर्मूला मान लो इसको। अरे जनरल है यार, इसको करोगे ना, इसको पहले इसके साथ पूरे से मल्टीप्लाई करोगे तो आई डॉट आई वन हो जाएगा, आई डॉट जी हो जाएगा, आई डॉट उसे उसके लिए आई जे और के दो तीनों होना पड़ता है ना कंपलसरी। लिख लो यार, समझ जाओगे। इससे पहला वाला एग्जांपल देखना, अब उल्टा इसके बाद पहला वाला एग्जांपल देखना, समझ में आ जाएगा, बढ़िया से समझ में आएगा। सर हाँ सर, वो माइनस साइन तो नहीं लेंगे ना हम? कौन सा माइनस साइन? जो लास्ट स्टेप है। सब लोग यार इसके हिसाब से ax और bx, इसमें ax क्या हो गया? आई हमने प्लस का मान लिया, ax हम माइनस साइन के साथ लेके चल रहे हैं। आंसर आएगा माइनस टू माइनस सिक्स प्लस बारह फोर। समझ जाओ प्रॉब्लम को। जहां तक यहां तक की बात है, हमने माइनस साइन हमने ax के साथ डाल दिया, ay के साथ डाल दिया, az के साथ डाल दिया, या फिर bx by bz के साथ डाल दिया। प्रॉब्लम दिमाग में रखो बस, प्रॉब्लम से आप इसको, आपने बोल दिया ना कि जो भी माइनस साइन होता है वो तो ij के साथ होता है। हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमने इसको जनरल फॉर्म क्या बनाई है, हमने सब प्लस प्लस का लिया ना। अब हमने जब सभी प्लस प्लस का लिया और इसको कॉमन में लेके आना है, कॉमन जनरल फॉर्मूला बनाना है, तो ऑब्वियस सी बात है माइनस साइन को इनके साथ ही हैंडल करना पड़ेगा ना। ओके हमने तो आई डॉट आई हाँ, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना मामला। या तो बेसिक से करो, फॉर्मूला ही हटाओ। तो इसके हिसाब से चलो सही है, और चल क्या बोल लो भाई, 191 का फैक्टोरियल क्या है? क्लियर है यहाँ तक? अब जरा ध्यान से देखी लो, अगर ये कर लिया है, अब इसका एप्लीकेशन दूसरा क्या है? इसके ऊपर का अब तो गया। देखो दो चीजें हैं, पहले तो डॉट प्रोडक्ट करना सीखो, वेक्टर ऐसे दिया है डॉट प्रोडक्ट करना ऐसा होता है। ठीक है, आपसे पूछेगा फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, अब ये दूसरी एप्लीकेशन है यार, एक बात बताओ ए डॉट बी कितना होता है, ए डॉट बी कितना होता है, ए बी कॉस थीटा, कोई दिक्कत इसमें? ए बी कॉस थीटा। एक बात बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना निकल के आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 29। यार तुमने तो यार आंसर रट लिया है ऐसा लग रहा है मेरे को,
और मैं क्वेश्चन भी मारता हूँ हमेशा। बी का कितना आएगा चलो बताओ, अब बताओ। 14 ठीक है, स्क्वायर रूट 14। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं सर? जूबिया कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। अगर तो समझ में नहीं आता क्लास में है अभी कि नहीं है, चलो ठीक है। ए बी, अब देखो हमने ए डॉट बी तो हमने कर लिया, ए डॉट बी हमारा ऑलरेडी आ चुका है, ए वेक्टर ए यहाँ सेम प्रॉब्लम है, इसी प्रॉब्लम में चल रहे हैं हम। ए हमारा ये है, बी ये है, तो ए हमारा इतना ए डॉट बी हमने क्या, ए डॉट बी हमने राइट हैंड साइड से 4 निकाल दिया। ए हमारा कितना है, ए हमारा कितना है, ए आ गया रूट 29, बी हमारा रूट आ गया है 14 कॉस थीटा। बताओ यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर? तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा 4 अपॉन रूट 29 इंटू 14। ये तो प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है ना? हाँ ये प्राइम नंबर है। यस सर। इसका रूट आप इसका कुछ बाहर निकाल नहीं सकते हो, इसका कुछ बाहर निकाल नहीं सकते हो, इसका कुछ बाहर निकाल नहीं सकते हो, तो इसको ऐसे ही रहने दो। कितना हो गया 14 इंटू 29, 14 3 जा 43 जा 406 406 रूट 406। तो थीटा को कैसे लिखोगे, थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स 4 अपॉन रूट 406। ठीक है, ये आंसर आ गया आपका। तो याद रखना कल तक में अगर दो वेक्टरों के बीच में एंगल निकालना है तो डॉट प्रोडक्ट बड़ा फायदेमंद चीज है, ये इसकी एप्लीकेशन है, याद रखना, बहुत बार पूछा जाएगा आपसे। वेक्टर दोनों वेक्टर दे रखे हैं आई कैप जे कैप की फॉर्म में, आपसे पूछेगा फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ए डॉट ये फॉर्मूला लगाया, ए डॉट बी राइट लेफ्ट हैंड साइड से निकाला, ए डॉट बी आप करना जानते हो, ए का मैग्नीट्यूड लिखना भी आप जानते हो अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड लिखना जानते हो, तो कॉस थीटा निकल के आ जाएगा, कॉस थीटा निकल के आ गया तो थीटा कॉस इनवर्स उतना बन जाएगा। प्रॉब्लम क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत? डॉट प्रोडक्ट, दो टाइप की प्रॉब्लम, या तो डॉट प्रोडक्ट करो सिंपल प्रॉब्लम, एंगल निकालो थोड़ा सा एक स्टेप आगे की प्रॉब्लम। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज नहीं करेंगे? फिर वो यार आंसर किस फॉर्म में दे रखा है उस पर डिपेंड करेगा, अभी तो cos θ = 4/106 है, रूट 106। कल के दिन में आपको ट्राइंगल बनाएगा, cos θ कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये कितना आएगा, ये कितना आएगा 16 रूट, हाँ भाई 300 386, ये आएगा क्या ना 390, कितना आएगा ये? हाँ भाई कोई तो बताओ, 390 है ना। अभी तो आंसर मैंने, क्योंकि हमारे डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्ट कॉस थीटा आता है, तो थीटा का आंसर मैं बता दें कॉस इनवर्स, कल के दिन में ट्रिग्नोमेट्री लगा के आंसर देगा साइन इनवर्स में या फिर टेन इनवर्स में, तब कैसे करोगे या cos थीटा आपका 4/√4, तो तुरंत ट्राइंगल बनाओ, तुरंत आपका ट्राइंगल बनाओ, यहाँ के हिसाब से साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये 406, तो थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स इतना। ठीक है, tan थीटा के टर्म्स में भी ले सकते हैं आंसर, तो कुल मिला के यहाँ से आंसर cos थीटा में आएगा, उसको कन्वर्ट करके ऑप्शन चेक कर लेना, अगर एक से ज्यादा ऑप्शन सही है वाली प्रॉब्लम आती है तो चेक कर लेना, sin थीटा cos tan थीटा दोनों चेक कर लेना। क्लियर है यहाँ तक प्रॉब्लम? चलो बढ़िया, मेरे ख्याल से आज इतना ही रखते हैं फिर, है ना? धन्यवाद। तो अगला एक काम है, और बेइज्जती मत कराना, बेइज्जती मत कराना, पर मंडे को संडे को टेस्ट है, और ठीक ठाक नंबर ले आना, और चीटिंग नहीं करनी, देखो यार किसके लिए पढ़ो, अपना कुछ नहीं है अपना, ठीक है।
ईमानदारी से करना जितना आ रहा है। एक चीज याद रखना, समय बहुत है अपने पास, समय की कमी नहीं है। कल के दिन में आपके मेंस में भी 90 क्वेश्चन आते ना, 50 क्वेश्चन करने लायक बन जाओ। 90 तो नहीं आता, 75 हो गए। 75 में से चलो मान लो 50 क्वेश्चन करने लायक बन जाओ, 200 नंबर पर अच्छी खासी एनआईटी मिलती है। अब बात आ गई एडवांस की, ठीक है। 75 में से 50 क्वेश्चन करने, मतलब हर 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन करने लायक बन जाओ तो अच्छी खासी एनआईटी है। आईआईटी में तो अब डिपेंड करता है पेपर के हिसाब से। 2016 का देखो, 2016 का टफ था। 2016 में तो आप 360 में से अगर 150 नंबर है आपके तो आपकी रैंक है 2500 के राउंड, और 2500 में अच्छी खासी आईआईटी में ठीक ठाक ब्रांच मिल जाती है। अब आप आईआईटी बॉम्बे मत सोच लेना, अब बॉम्बे सोच ही रहे हो तो फिर आप, मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा स्लो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इससे तो काम नहीं बनेगा, तेज चलना पड़ेगा आपको, अपना साइड से चलते जाओ। कोई दूसरा फैकल्टी तेज चल रहा है उसको पकड़ो, कोई दिक्कत नहीं, मैं पीछे चल रहा हूँ क्योंकि मेरे को यार फाउंडेशन निकालनी है पहले। पहले मैथमेटिक्स स्ट्रांग होनी चाहिए तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा ना। मैं तो इस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, कल दिन में काइनेमेटिक्स चालू होगी, क्वेश्चन लेके आ जाओगे आप, ये यहाँ आया था, ये रोडो का क्वेश्चन है, या फिर ये इस बुक का क्वेश्चन है। बिजनेस के अलावा कोई एक आधे नमूना मिल ही जाता है, हमेशा मिल जाएगा, ठीक है। नमूना हो या बच्चा हो, अब दो चीजें हैं। नमूना इसलिए प्रैक्टिस कुछ नहीं करेगा, यहाँ से क्वेश्चन लेके आ जाएगा फैकल्टी। हाँ मेहनत कर रहे हो, आपकी शीट खत्म हो गई है, आपकी डीबी भी खत्म हो गई है, हाँ करो लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं। तो उसको समझाने के लिए मेरे को पहले, अब यार डॉट प्रोडक्ट पता नहीं होगा उसको, क्रॉस प्रोडक्ट पता नहीं होगा, फिर कहेगा मैं समझा दूंगा, मेरे समझाने में हेडेक होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए ये सब चीजें पढ़ा दी जाती हैं कि भाई इसको पहले फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है। सर किधर तक डीपीपी करना है? देखो मेरी साइड से तो अभी कहीं तक मत करो,